हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एलजेब्रा की सीरीज में पॉलिनोमियल्स का एडिशन करना सीखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। आप लोगों को कुछ टर्म्स दे रखी हैं, 3a² b माइनस दिस एंड ये, इस तरह से ये आपको टर्म्स दे रखी है और इनको बोला है कि इनको आप ऐड करना है। ओके, तो बच्चों कैसे करना है, सबसे पहले ये जो टर्म आपको गिवन है, इस टर्म को लिखा और उसके साथ दूसरी टर्म लिखा, लेकिन चूंकि हमें ऐड करना है तो बीच में ये वाला साइन लगाया। ये ध्यान रखना है, ये साइन ऑपरेशन का है। ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, एडिशन। और ये जो साइन है वो इस वाले टर्म का अपना पर्सनल साइन है। इसके पास अपना कोई पर्सनल साइन नहीं है, यहां पर ऑपरेशन का साइन लगाकर लिख दिया। इसके पास अपना पर्सनल साइन है तो ऑपरेशन का साइन और पर्सनल साइन दोनों साइन लगाकर लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोग पहले दो दो टर्म्स लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम करने के लिए एडिशन क्या देखना है, ये जो आपकी टर्म्स हैं वो चेक कर लीजिए कि लाइक हैं या नहीं। लाइक और अनलाइक टर्म्स मैं आपको बता चुकी हूं, फिर से बता देती हूं। वेरिएबल अगर सारे टर्म्स के सेम है या जिन जिन टर्म्स के सेम है, सिर्फ हम उन्हें ही एड कर सकते हैं। यहां पर भी a² b लिखा है, यहां पर भी, यानी कि ये सब सेम है। अब हमको इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करना है ऐड वो समझ लीजिए। एक तरीका तो यह है बच्चों, ये जो प्लस का साइन है ऑपरेशन का, अगर प्लस का साइन ऑपरेशन का है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। सिर्फ तभी कर सकते हैं जब प्लस का हो। आप इसको छोड़ दीजिए, सोच लीजिए कि यह साइन नहीं लगा है और इस वाले टर्म के आगे प्लस का साइन है और इस वाले टर्म के आगे माइनस का साइन है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस माइनस, साइन की मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया माइनस माइनस का, मतलब इन दोनों कोएफिशिएंट्स को हमें माइनस करना है, यानी 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब साइन जरूर लगाना है, बच्चे साइन लगाना भूल जाते हैं। अब साइन इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 5 नंबर बड़ा होता है तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया। बाकी का क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब यही वाली सिचुएशन देखिए इन दो टर्म्स के बीच में भी आ रही है। इसे सॉल्व करने का एक तरीका और भी है। अगर आप लोग ऐसे करके ना करना चाहो कि प्लस का साइन इग्नोर कर दिया और इस वाले टर्म को कैलकुलेट कर लिया, तो आप लोग एक काम और भी कर सकते हो। ये प्लस का 10a² b लिखा और बच्चों सिर्फ पहले इन दो साइन की आपस में मल्टीप्लाई कर ली, जैसे प्लस माइनस माइनस, यानी बोलना चाहिए हमने दो साइन का एक कर लिया, दो साइन का एक करके यहां पर लिख दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो अगर दो टर्म्स के बीच में ऑपरेशन का साइन प्लस है तो उसे इग्नोर कर दो और इन दोनों के साइन का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो पहले ऑपरेशन का साइन और इसके पर्सनल साइन के बीच में मल्टीप्लाई करके दो साइन का एक साइन कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर वापस दो टर्म्स ली, इन दोनों टर्म्स को ऑपरेट किया। कैसे, ये इसका प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, यानी हम घटाएंगे। घटाएंगे का मतलब 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आ गया। साइन लगाना है बड़े नंबर का, बड़े नंबर है 10, उसका साइन लगा दिया। बचा हुआ क्वेश्चन ऐसे ही कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद में इन दोनों को फिर से प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 8 में से 7 गया 1 और 1 लिख दिया, यहां पर बड़े का साइन लगा दिया। अब इस वाले स्टेप पर आप लोग एक काम और कर सकते हो। आप लोग एक काम ये कर सकते हो, जितने भी माइनस के साइन वाले टर्म्स हैं, जैसे एक ही वाली और एक ही वाली, ये दोनों माइनस के साइन वाले टर्म्स को आप आपस में ऐड कर लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपका 9a² b आ जाएगा और साइन माइनस का ही लगेगा। और उसके बाद में जो एक बची टर्म है उसको लिख दिया और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया प्लस माइनस माइनस। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत ये एडिशन समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब मैंने लिखा है एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले दोनों पॉलिनोमियल्स को लिखने के लिए बीच में हमने एडिशन का साइन लगा दिया, बाकी सारा ऐसे ही एज इट इज कॉपी कर दिया। अब बच्चों आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि इसमें अलग अलग वेरिएबल्स हैं सब पर। तो सबसे पहले अब इसमें हमें ये करना है कि जो लाइक वेरिएबल्स हैं उन्हें एक साथ लिखना है। जैसे 3 के साथ में a लगा हुआ है तो अब a वाला वेरिएबल एक और ढूंढा, ये दोनों एक साथ लिख लिए, पास पास लिख लिए। फिर b लिखा हुआ है, ये साइन के साथ लिखना है, माइनस का 2b लिखा और इधर b दूसरा ये वाला है,
फिर ये प्लस सी और ये माइनस, सारे सेम लाइक टर्म्स एक साथ लिख ली। बस अब सिर्फ लाइक टर्म्स आपस में ऐड करी जा सकती हैं। तो ये है प्लस, ये भी है प्लस, प्लस 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 यानी ऐड करेंगे और साइन प्लस का लगा दिया। अब इन दोनों टर्म्स में ये दोनों लाइक हैं, ये है माइनस और ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 6 आ गया, लेकिन साइन बड़े का लगेगा तो बड़ा 8 है, यहां पर बड़ा हो गया। प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6 और साइन बड़े का लगेगा तो माइनस। इस तरीके से ये क्वेश्चन में जहां पर अलग अलग टर्म्स थी, अलग अलग वेरिएबल्स के साथ में टर्म्स थी, तो पहले हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा, उसके बाद में उसको ऐड किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलीनोमियल सिखाऊंगी। टिल देन बाय।